याद खान एज यू नो एंड द मॉर्निंग इज स्टार्ट विद कारी साहब एंड हमजा। लेट्स सी इन्होंने क्या हरकत की। अरशानु भाई आ गए हैं। हमारी बाकायदा सुबह का आगाज़ हो गया है। कल के व्लॉग में इनकी बहुत हमने की थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और ये हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स। तो आप समझ सकते हैं ये क्या था। आपको हाय बोल रहे हैं। ये क्या था वेस्ट प्रोडक्ट वो कह रहे हैं। ये क्या था ये देखें। ये भी बॉयज जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के। हाथ हिला दें यार हाथ हिला दें। ये देखें ये ख़त्म है बिल्कुल। ऐसे जैसे वो होते हैं ना गायें होती है जो कहें वही कर दिया। इन्हें अगर मैं कहता कुछ और कर दें वो भी कर हो रही है। चलो बदतमीज पढ़ाई से भागते हो हर वक्त। मैं डिपार्टमेंट की बैक साइड पे और इधर देखें एक ये लगा हुआ है एक वो लगा हुआ है। देखो ना जब एक्चुअली क्या होता है कि ये जब ऐसे एहसास कमतरी के शिकार बच्चे जब मकई शकई देख लें या कुछ देख लें पहली बार तो फिर यही काम शुरू कर देते हैं कभी। मतलब ये देखें अब ये हालांकि विलिस का है इसे तो ये कीड़ा नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट है लेकिन इसे भी है। चलो शानू तो खुद ही कीड़ा है इसका छोड़ो। ये इसे नहीं होना चाहिए था। मज़ा आता है पसंद है भी वो कीड़ा है पसंद है ये व्यू आपको। आप इसी भी अब देखें कितना हसीन मंजर होगा इतने प्यारे व्यू के सामने। आप ऑडियंस बैठी है ऑडियंस ऑडियंस और ये सताया हुआ बच्चा जो बचपन में मतलब क्रिकेट है राम क्या करके खेलते हैं और ये हमारे प्लेयर कैच और ड्रॉप कैच चाय आ गई है काफ़ी देर की लालत के बाद। चाय आ गई है चाय पांच चाय हमारी है कि उनकी आ गई अपनी। ये शानू भाई चाय कैसी लगी है। ये क्या ये गूंगा हो गया जबरदस्त लगी है। भाई जान हमें 15 मिनट हो चुके हैं आप ज़्यादा चैसे उठा रहे हो। आप बताएं छोड़ें यार सेलिब्रिटी का बैठी हम दूसरी तरफ कैमरा कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये सौंफ आपने ये उड़ते कहीं से चाय में सौंफ डालने लग गया ना शानू असल में मच्छरों का जायका आ रहा है। ये भी है तो शानू भाई ने पिया चाय। शानू भाई को आया मज़ा आया और शानू भाई चाय की खुशी में गाना सुना रहे हैं। चल भाई सुनाएगा यार ये सुना यार ऐसे नहीं करो एक एक बस दो तीन लाइनें सुना दो। चलो जल्दी यार सोचने का टाइम नहीं है आपका दिमाग ही खत्म हो जाए। और उसके बाद क्या करवाने की चाय के बाद। चाय पीने के बाद भी तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं प्राइवेट। ये दुनिया का पहला समझदार इंसान है जो वॉक जो है ना मतलब ये एक्सरसाइज करता है नाश्ते के बाद। लोग करते हैं भाई उठते हैं पहले नाश्ता मतलब पहले वॉक एक्सरसाइज सब कुछ फिर नाश्ता करते हैं। ये जो है ना पहले नाश्ता करेगा फूल होकर फिर एक्सरसाइज करेगा और धूप में अक्सर इसकी आदत है कि धूप में गर्मियों में धूप में सर्दियों में छाँव में क्योंकि इसका दिमाग जो है एक जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो यहाँ पे नहीं हुआ किसी और जगह से और प्लैनेट से आया तो इस हिसाब से इसका एक माइंड सेट एक सेपरेट है। आप क्यों परेशान हो। मैं परेशान हूँ आपको बहुत देख के यार गूंगा हो जाऊँ गूंगा हो जाऊँ। भाई देखें ना ये तो काम है जब बंदा स्टार्ट करता है तो चल पड़ता है। 3 खाली कप जैसे कि आप देख सकते हैं पड़े हैं और 4 खाली दिमाग भी आपके सामने हैं। 3 खाली कप 4 खाली दिमाग। सनान भाई ऐसे गुस्से थे देख रहे हैं। ओ माई गॉड आप वो लगे वो नहीं है यार सनी देवल के पंप खोड़ता है हैंड पम्प बिल्कुल वैसे। ओ माई गॉड यस वी आर मिसिंग टू जरून। और ये बैठा है ये देखो ठरक पान की अगर कोई इंतहा होती है ना तो उससे भी एक अगला लेवल अगर होता है तो ये होता है ये लेवल सेट करता है। फिर उसके बाद आगे जो करता है वो ऑन कैमरा नहीं बताएंगे हम क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। और डॉक्टर साहब जो कि भाई जान लेक्चर है जाना है हमने। डॉक्टर साहब ऐसे ही है नहीं उठो टाइम हो गया है। दोनों जो है ना ये दोनों इनकी एक्टिविटीज़ जो है ना मशकूक हैं थोड़ी सी सारों को डाउट है और ये जो है इमोशनल हो जाते हैं अचानक पड़े पड़े लेक्चर के टाइम। इन्हें कभी इन्हें बहुत जल्दी होती है लेक्चर लेने की और कभी ये भूल जाते हैं कि लेक्चर है। और अब आप देख सकते हैं इनके अंदाज से देख सकते हैं हम यहाँ इस टाइम फर्स्ट टाइम ग्राउंड में आए और ये ऐसे ईजी चिल माहौल में बैठे हैं ना। ये देखो ये मैसेजेस एक दूसरे को उल्टे सीधे दिखाते हैं फिर हंसते हैं फिर अपनी इनकी दुनिया होती है। और मतलब कह लें कैप्शन लगा लें या इनकी पिक लगा कह सकते हैं कि पीपल विदाउट माइंड पीपल विदाउट माइंड। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं क्योंकि बगैर दिमाग के जीना कोई आसान काम नहीं होता। बात जो है ये देखें यहाँ पर ये दोनों जैसे सोए पड़े हैं सेम
उधर इनका एक मतलब क्लोज तरीन रिलेटिव ऐसे ही सोया पड़ा है। ये देखें बिल्कुल ऐसे इधर ना बस देखें ख़ानदानी आदतें जो होती हैं या वो हरकतें जो होती हैं मतलब यारों दोस्तों इनका बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज ऐसे हैं जो कहते हैं ना ऐसे फ्रेंड है ऐसे, ये वही सीन है इनका। तो फिर अपनी वो आदतें पूरी कर रहे हैं दोनों यार, ऐसे नहीं है देखो आप भी ऐसे सोए पड़े हो वो भी, क्या ये रिश्तेदारी तो नहीं है या दोस्ती वगैरह कोई ऐसा? ना 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 कवर पा रहे हो। ओह माय गॉड, ओह तमीज कर रहे हैं शानू भाई आपसे क्लोज रिश्तेदारी है इसकी। हाँ भाई रिश्तेदार बोल गए अपना ये आजा ये आप देख सकते हैं हरकतें ये एक बार ये करेगा ना आप कहना फिर तेरी सुनेगा तेरी लैंग्वेज समझता है नहीं हुआ वाली कुत्ते की आवाज़ निकाल कुत्ते वाली आवाज़ इसी बार निकाल भफ कर ही देखिए यार निकाल ले क्या होता है कर ले और यार थोड़ी सी ट्राई कर और ये आपने देख लिया ये मैं जो बात कर